जीमेल यानी कि ईमेल आईडी आप खुद से कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया हुआ पहले से। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है जीमेल का, सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ सर्च इंजन में आपको टाइप कर देना है जीमेल। जीमेल टाइप करने के बाद क्या करना है, आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाता है। यहाँ जीमेल गूगल, सिंपली आपको फर्स्ट वाले लिंक को ओपन कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जीमेल का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला फॉरवर्ड, साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बनाना है नया से, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख जाता है, या फिर नीचे में आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखता है नीचे में, यहाँ पे इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट योर गूगल अकाउंट का यह पेज ओपन हो चुका है। गूगल अकाउंट यानी जीमेल, जो गूगल जीमेल का फुल फॉर्म है। यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर लेना है, फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में भी आपको अपना लास्ट नेम टाइप कर लेना है। चलिए मैं डेमो के पर्पज़ से बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में मैं लिख देता हूँ वीडियो, ये मेरा लास्ट नेम हो गया। इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आप जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल दिख जाता है। अगर आप ये रखना चाहते हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं, या फिर आप खुद अपना अपने से डालना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो वीडियो, DEMOVIDEO लिखा और डबल एट कर दिया मैंने यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की लिख रहा है डैट यूज़र नेम इज़ टेक एंड ट्राई, अदर आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल में कुछ बता रहा है तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं आपको जो पसंद है। चलिए मुझे ये पसंद है, मैं इसको ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया इसको, इसके बाद @gmail.com पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। कन्फर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड डाल लेना है। चलिए मैं कन्फर्म पासवर्ड भी डाल लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको शो पासवर्ड करेंगे तो आपने जो भी पासवर्ड टाइप किया होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव या डाउन सेव का ऑप्शन दिखता है, इसमें इसको डाउन सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद आपके पास कोई रिकवरी मेल है अलग से तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी मोबाइल नंबर आपका जो भी है आप टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर डेट ऑफ बर्थ का डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर पर सेलेक्ट कर देना है क्या आपका जेंडर है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए हम नंबर टाइप करके इतना करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने सारा चीज़ यहाँ पे भर लिया है, जैसे कि मैंने सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप कर लिया है, जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर का पेज आ गया है। यहाँ पे आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं ओटीपी आपको नहीं वेरीफाई करना, अभी बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉट नाउ कर सकते हैं। तो चलिए मुझे अभी वेरीफाई नहीं करा, अगर यहाँ पर नॉट नाउ ऑप्शन नहीं आता है तब आपको सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, उसको आपको डालना पड़ेगा। चलिए मैं जो है अब वेरीफाई नहीं करना है तो मैं यहाँ पर आपको नॉट नाउ कर देता हूँ। जैसे मैं नॉट नाउ करता हूँ तो यहाँ प्राइवेसी इन टर्म्स का पेज ओपन हो जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है आई एग्री का, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, सर्चिंग ले रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे कि हमारा ये देख रहे हैं गूगल वर्क स्पेस हो चुका है, यानी दिख रहा है, यानी कि हमारा जीमेल जो है क्रिएट हो चुका है और ये हमारा जीमेल जो अभी लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद किस तरह का इंटरफेस दिखता है ये भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, या वीडियो आप देखेंगे तो ही आप सीख पाएंगे किस प्रकार से जो है आप अपना या किसी का भी जीमेल आसानी से मात्र 2 मिनट के अंदर में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जीमेल बन चुका है और यहाँ पे मैं आपको देख रहे हैं गूगल कम्युनिटी, यहाँ पे डेमो फिनिश सेटिंग अप गूगल अकाउंट, यहाँ पे एक मेल भी आ गया है। जैसे मेल को हम खोलते हैं तो आप देखेंगे हमारा मेल लोडिंग ले रहा है और इस मेल में आपको बताया जाता है कि वेलकम टू गूगल, योर न्यू अकाउंट कम्स विथ एक्सेस टू गूगल प्रोडक्ट्स, यानी आपका जो है नया अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको जीमेल आपको दिख जाता है। अब चाहे तो इस जीमेल में आप किस प्रकार से आप सेटिंग करेंगे, इस प्रकार से जैसे मैं आ रही है प्रोफाइल पिक्चर, कैसे इस जीमेल पर कैसे प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, कैसे हम पासवर्ड चेंज करते हैं, कैसे किसी को हम मेल करते हैं, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।